नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। सुल्तानगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मानित के लिए निकाली जागरूकता रैली। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा ने किए। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेशन परिसर में बने महात्मा गांधी के तेल चित्र एवं स्मारक पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण करते हुए नगर भ्रमण कर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से मुलाकात करते हुए फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए गए। इस दौरान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विपिन बिहारी, अभयानंद झा, महिला जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि, महिला जिला उपाध्यक्ष सुनंदा रक्षित सहित कांग्रेस कार्यकर्ता संजय जैन, सुबोध सिंह, रघुनंदन केसरी, अनुज कुमार, वासुदेव रामुका, मोहम्मद मुंशीर, शंकर देव, अरुण सिंह सहित इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। आजादी की वर्षगांठ पर हम लोग भारत जोड़ो को मद्देनजर में रखते हुए ये यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति जो है, हालात है देश की, पूरी जनता जो है त्रस्त है, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो, उनको मतलब इनके थ्रू जो संदेश देना है हम पूरे देशवासियों को कि इस जो सत्ताधारी सरकार है इनको हटा करके कांग्रेस की पुनः वापसी आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही भारत को जोड़ सकती है। रूप से जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, उसके अवसर पर, और कांग्रेस का जो जयपुर में शिविर हुआ था उसमें यह था कि भारत की स्थिति मौजूदा शासन में भारत टूटने की स्थिति में, इसलिए भारत को जोड़ने के लिए का यह प्रयास है कि हर जात के लोग, हर संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर जो है भारत की तरक्की में अपना योगदान दे सके, इसलिए यही उद्देश्य ये यात्रा जो है पूरे देश में निकाली गई। आज इस भारत जोड़ो यात्रा में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे तमाम प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि दे के पूरे प्रखंड में जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका इस स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान है, उनको उनके घर घर तिरंगा के साथ जाके प्रखंड कांग्रेस जन उनको सम्मानित करेंगे।